मंगल ग्रह पर मिला पानी तो जमीन में दफन दिखी तीन झीलें। नासा के साइंटिस्ट द्वारा मंगल ग्रह पर पानी का स्रोत खोज लिया गया है। वैज्ञानिकों को मंगल की जमीन के अंदर तीन झीलें भी दिखाई दी हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर एक बहुत बड़े नमकीन पानी वाली झील का पता चला था। यह झील बर्फ के नीचे दबी है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जाकर बसा जा सकता है और उस पानी का प्रयोग भी किया जा सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस क्राफ्ट मार्स एक्सप्रेस ने 2018 में जिस जगह पर बर्फ के नीचे नमकीन पानी की झील खोजी थी, उस झील को पुख्ता करने के लिए 2012 से 2015 तक मार्स एक्सप्रेस सैटेलाइट को 29 बार उस झील के इलाके से गुजरना पड़ा था और तस्वीरें भी ली गई थी। अब नासा को भी उसी इलाके के आसपास तीन और झीलें दिखाई दी। आपको बता दें कि इन तीन झीलों को ढूंढने के लिए स्पेसक्राफ्ट को 2012 से 2019 के बीच 134 बार ऑब्जर्वेशन करना पड़ा था। 2020 साइंस मैगजीन नेचर एस्ट्रोनॉमी में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह झीलें मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित हैं। हालांकि यह बर्फ से ढकी हुई है और लगभग यह 20 किलोमीटर चौड़ी है। ऐसा माना गया है कि यह मंगल ग्रह पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा जल का निकाय है। रॉवर्स ने पता लगाया है कि जिस जगह वह झील पाई गई है वहां हवा में अधिक ह्यूमिडिटी होती है। इस ग्रह की सतह की खोज से जुटे रॉवर्स ने यह भी पाया कि इसकी मिट्टी पहले लगाए गए अनुमानों से कई अधिक नम है। वैज्ञानिक द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में लोग मंगल ग्रह पर रह सकते हैं, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।